गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करीबन 3 साल बाद इस यूट्यूब चैनल पे वापस वीडियो आ रहा है, और आज का ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैंने ऑनलाइन मंगवाया था उस पर है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैंने मेकर बाज़ार के वेबसाइट से मंगवाया था, और मैं आज इस वीडियो में उसका रिव्यू करने वाला हूँ। चलिए, इस बॉक्स को पहले खोलते हैं। ओवरऑल बाहर का पैकिंग तो बहुत बढ़िया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हर जगह से टेप वगैरह लगा हुआ है अच्छे से, कि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। तो इसको खोलते हैं। मैंने करीबन 1000 से ऊपर का सामान मंगवाया था गाइस, एंड कैश ऑन डिलीवरी में 123 रुपीज़ मुझे लगा था। ये एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आया था। तो गाइस, पहले तो सारे सामान को साइड कर देते हैं एंड शुरू करते हैं ये बीओ मोटर के टायर से। तो गाइस, मैंने ब्लैक कलर के टायर्स मंगवाए थे, पर पीस मुझे 30 रुपये पड़ा था। और ओवरऑल इसका जो टायर है उसका क्वालिटी ठीक है, एंड 30 रुपये के हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप लोग इसको अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। सेकंड प्रोडक्ट है बीओ मोटर। बीओ मोटर आप लोग जैसा देख सकते हो, इसका भी मुझे क्वालिटी ठीक लग रहा है। 48 रुपीज़ का मुझे पर पीस पड़ा था, जैसे देख सकते हो, एकदम इसका क्वालिटी एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी क्वालिटी में। आप लोग डेफिनेटली इसको परचेज़ कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गाइस, ये लिथियम आयन बैटरी 3.7 वोल्ट का है, पर पीस मुझे 42 रुपीज़ का पड़ा था। तो मैंने इसको इस्तेमाल किया है चेक करने के लिए। यहाँ पे बीओ मोटर से एक बार चेक कर लेते हैं। अभी गाइस, इसमें मेरा वॉइस नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर करने वाला हूँ, तो इसमें अभी आपको साउंड नहीं आएगा। लेकिन अभी मैं टायर लगा के आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है इसका, मतलब बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। एंड ये जो बैटरी 4 लगा हुआ है लिथियम आयन का सीरीज़ में, ये 15 वोल्ट जनरेट करता है। भाई बहुत ज़्यादा ये तेज़ चल रहा है, आप देख सकते हो। नॉर्मल बीओ मोटर इतना तेज़ नहीं चलता, ये बहुत तेज़ चल रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। तो इसको भी हम लोग रखते हैं साइड में, एंड ये आप लोग देख सकते हो, ये लिथियम आयन बैटरी इसका होल्डर है। मैंने इसको इस्तेमाल करने के लिए इसमें मंगवाया था। तो गाइस, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लिथियम आयन बैटरी चार्जर। मैंने उसका मॉड्यूल नहीं मंगवाया है, क्योंकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे जो भी आइडिया, मैं आपको वो सब बता दूंगा, कि आप लोग भी अपने प्रोजेक्ट बनाने में इसका, मतलब इस वीडियो का यूज़ कर सकते हो। तो इसका चार्जर अभी यहाँ पे ये चल रहा है, क्या ग्रीन लाइट चल रहा है, मतलब कि अभी यहाँ पे चार्ज दिखा रहा है। जब इसको हम लोग सॉकेट में लगाएंगे तो ये रेड लाइट दिखा देगा, मतलब कि चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा यहाँ पे, ये LED है, जो छोटा छोटा LED आता है ना, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोजेक्ट वगैरह बनाने में। मैंने इसे येलो कलर वाला लिया था, जैसा देख सकते हैं इस तरह का येलो कलर दिखा रहा है। मुझे कुछ प्रोडक्ट बनाना है, RC टॉयज वगैरह बनाना है, तो मैं उसे इस्तेमाल करूँगा, उस चीज़ में इस्तेमाल करूँगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बज़र है, ये है मिनी बज़र। ये मुझे पर पीस 19 रुपीज़ पड़ा था, एंड ये जिस साइज़ का मैंने एक्सपेक्ट किया था उसी साइज़ का, एंड इसका साउंड आप लोग सुन सकते हो, मतलब कि उसका साउंड ठीक ठाक था। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट हम लोग का है कोड LED। इसका भी ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, एंड ये बहुत सस्ता है एंड बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 30 रुपये का प्रोडक्ट था वो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है यहाँ पे हम लोग का लेज़र लाइट, जो हम लोग को मार्केट वगैरह में 60 रुपीज़ का पड़ता है। ये बस 19 रुपये का था, और आप लोग देख सकते हैं ये कैसा काम कर रहा है। अभी तो ये लाइट में इसलिए ज़्यादा शो नहीं हो रहा, लेकिन ये बहुत बढ़िया है, आप लोग डेफिनेटली ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये एक लाइट है, जिसको हम लोग अपने अडेप्टर में लगाते हैं, एंड रात में सोते वक्त हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट रहता है। तो इसका ब्राइटनेस भी ओके है, मतलब कि ओवरऑल बढ़िया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो ये मुझे गाइस लगता है 30 या 40 रुपीज़ का पड़ा था, मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस, ये है RC रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। गाइस, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से आप लोग इस चीज़ को मंगवाते हो तो आपको एक ही एंटीना देता है, और या तो फिर एंटीना देता भी नहीं, लेकिन आपको यहाँ मेकर बाज़ार के वेबसाइट से आपको 2 एंटीना मिलता है, एंड साथ में जो वहाँ पे मॉड्यूल है इसमें आपको LED भी देता है दोनों में, एंड साथ में आपको स्विच भी देता है ऑन ऑफ वाला। तो उसका क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, एंड ये मुझे 189 का पड़ा था। तो आप लोग डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ही ये सस्ता है एंड बहुत अच्छा क्वालिटी है इसका। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो, और इस पर भी वीडियो आएगी कि आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो रिसीवर और ट्रांसमीटर को। बहुत लोग को आइडिया भी नहीं होता कैसे इस्तेमाल करते हो, बहुत ईजी है गाइस, आप लोग बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो। सो थैंक यू गाइस, यही था आज का अनबॉक्सिंग वीडियो। आप लोग देख सकते हो मैंने ये कुछ
सामान ऑर्डर किया था, तो आप लोग को भी सामान ऑर्डर करना होगा तो आप लोग इसे मेकर बाज़ार के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर इसका ऐप डाउनलोड करके मंगवा सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है जिससे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगवा सकते हो। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये ऐप मुझे खुद से बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत होता था ऑनलाइन सामान मंगवाने। तो ये बहुत बढ़िया वेबसाइट है, आप लोग डेफिनेटली मंगवा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।